हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम हितेश और आप देख रहे हैं डेकन जीप चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी यूज़र भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे, यूट्यूब में भी कमेंट करते हुए बार बार पूछते रहते कि वे सेकंड हैंड में आईफोन या किसी भी एंड्रॉइड में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दो। कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें हैं जो एक आईफोन में सेकंड हैंड आप ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको चेक करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आईफोन 4S से लेकर आईफोन 12 प्रो मैक्स तक है। तो आज की वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें तो आपको चेक करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको लेने के बाद आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। अगर आपको भी एक सेकंड हैंड आईफोन लेना है लेकिन आपको कुछ समझ नहीं रहा है कि किस किस चीज़ों को आपको चेक करना है सेकंड हैंड आईफोन लेने से पहले, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज डालते रहता हूँ। सेकंड हैंड फोन ले रहे हैं तो मोस्टली आप यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ले रहे हैं या किसी ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो किसी भी तरह का आईफोन ले रहे हैं तो उसका जो IMEI नंबर है, सीरियल नंबर है और आईफोन का, वो सबसे पहले उसकी जो एप्पल की वेबसाइट में जाके आपको चेक करना है कि वो आईफोन है वैलिड है कि नहीं है, या कहीं रिफर्बिश आईफोन नहीं है। तो अब किसी भी तरह की जो उस डिवाइस की आप सारी डिटेल है वो सारे के सारे आपको उस वेबसाइट में आपको शो कर देगी। मान लीजिए कोई डिवाइस रिफर्बिश भी होगा तो वो भी शो कर देगा, कहीं रिपेयरिंग किया होगा एप्पल स्टोर से तो वो भी चेक यहाँ पे वो भी वेबसाइट में शो कर देगा, कहीं बैटरी रिप्लेसमेंट या मतलब सारी की सारी डिटेल है। तो आप IMEI नंबर और सीरियल नंबर पेस्ट करेंगे तो उस आईफोन के बारे में आप जान सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको एक आईफोन सेकंड हैंड लेने के टाइम आपको ये चेक करनी है उसका जो ट्रू टोन, जो आईफोन में जो ट्रू टोन ऑन होता है तो उसकी जो डिस्प्ले है वो जेन्यून है, ओरिजिनल है। मान लीजिए किसी आईफोन X है, XR है और भी 8 प्लस है तो उसमें ट्रू टोन ऑफ नज़र आ रहा है। उसकी जो डिस्प्ले होगी तो भाई डुप्लीकेट भी हो सकती है, मार्केट की भी हो सकती है, मतलब रिपेयरिंग भी की हो सकती है। तो ट्रू टोन ऑन होना ही चाहिए आप किसी भी सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन से ले रहे हैं। तो आपको ये जो सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो उसको फेस आईडी ऑन ही होना चाहिए। यहाँ पे जो आईफोन 8 प्लस के नीचे मॉडल है तो उसमें फेस आईडी का तो ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन जो आईफोन XR है X से, तो आईफोन XR से जितने भी हायर वेरियंट है उसमें जो सारे मॉडल है तो उसमें आपको फेस आईडी का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वो भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि उसकी जो फेस आईडी है चालू है कि बंद है। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है उसकी जो बैटरी है, तो भाई बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मान लीजिए कहीं आप सेकंड हैंड में आईफोन लेते हैं तो उसकी जो कितने परसेंटेज उसकी बैटरी हेल्थ है, उसकी बैटरी की कितनी कंडीशन है, तो आप सेकंड सेटिंग में जाके भाई चेक करनी है। मान लीजिए कि 80 से डाउन होगी तो आपका जो बैटरी बैकअप है उतना बैटरी ना दे पाए, 5 से 6 महीने के बाद आपको जो बैटरी है वो आपको रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह का आईफोन ले रहे हैं तो उसकी जो बैटरी है 80 से अप होगी, तो आपका जो बैटरी बैकअप है भाई 1 साल से तो आराम से भाई खींच देगी। तो मान लीजिए कि इन सारे चीज़ों आपको भाई परफेक्टली लगे तो एक आपको एक छोटा सा और भी आपको मैं टेस्ट करने के लिए बोलूँगा। तो भाई आईफोन का वाटर टेस्ट एक बार जरूर से करके देखिए, क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो आईफोन है 100% वर्किंग है तो उसका जो रिपेयरिंग है किसी भी तरह का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। मान लीजिए आपका जो वाटर टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर पानी भी चला गया तो आप समझ लीजिए भाई छोटी मोटी रिपेयरिंग उस आईफोन के अंदर हुई है, चाहे भले एप्पल स्टोर से ना हुई किसी भाई शॉप से हुई होगी, तो उसके अंदर भाई 100% भाई पानी जाएगा और जो वाटर डैमेज करेगा। इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपको जो आईफोन आपको ठीक लगे तो भाई आप एक आईफोन आप परचेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आईफोन की बात करूँ भाई सेकंड हैंड में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भाई काफ़ी बार होता है। मान लीजिए आपको एक आईफोन ही लेना है, उसमें भी आपको उतना बजट नहीं है लेकिन आपको 15 से 20 हज़ार में आपको कहीं आईफोन X मिल रहा है, XR मिल रहा है, लेकिन उसमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है, उसका जो ट्रू टोन ऑफ है या फेस आईडी ऑफ है। तो उनमें से कौन सा फ़ोन भाई आपको प्रीफर करना चाहिए, जो भाई जो उसका जो ट्रू टोन ऑफ है वो आपको आईफोन लेना ही नहीं है, तो उसकी जो डिस्प्ले डुप्लीकेट भी हो सकती है या कहीं मार्केट की भी हो सकती है, तो जिस डिवाइस में आपको ट्रू टोन ऑफ दिखे वो डिवाइस आपको लेना ही नहीं है। हालांकि भाई फेस आईडी ऑफ होगा वो डिवाइस आपको बिल्कुल ही चलेगा, उसमें जो आप पासवर्ड डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रू टोन ऑफ वाली आप डिस्प्ले आप यूज़ करेंगे तो बाद में जाकर आपको कितने सारे प्रॉब्लम के फेसेस करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं इन सारे आईफोन में से भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई आपका कितना बजट है, आप किस प्राइस तक रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आईफोन 4 और 5S है तो ये दोनों डिवाइस है भाई आप कॉलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें ना ही कोई एप्लीकेशन सपोर्ट करेगी ना ही कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। आपका ज़्यादा बजट है, आपको 6000 से ऊपर कोई आईफोन लेना है तो भाई आप आईफोन 6 या 6 प्लस के ऊपर भी जा सकते हैं, तो इसमें सारे एप्लीकेशन आपको सपोर्ट मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी कैमरा क्वालिटी को आपको बताऊं तो भाई आईफोन की कैमरा क्वालिटी भाई काफ़ी अमेजिंग से होते हैं, चाहे वीडियोस ले रहे हैं फोटोज़ ले रहे हैं। आईफोन 6 में भी आप 4K अप टू 30 FPS मैक्सिमम आप वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके जो भाई 6000 के ऊपर आपको एक डाउट है कि एक नया एंड्रॉयड लूँ या पुराना आईफोन, तो भाई 6000 के अंदर में आईफोन आपको 6 या
6 प्लस भाई आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। आपको 7 से 8 हज़ार में कोई आईफोन लेना है जिसमें भी अच्छी कैमरा क्वालिटी हो, अच्छी डिज़ाइन हो, तो ओवरऑल आप आईफोन 7 के ऊपर जा सकते हैं। तो इसकी जो बैटरी लाइफ आईफोन 7 की 6 प्लस से भी आपको बेटर मिल जाएगी। और इसकी भाई डिस्प्ले है तो उसमें भी आपको रिजोल्यूशन है 6 प्लस से बेटर मिल जाएगा। तो भाई आईफोन के साथ अभी भी आप पबजी इसमें भाई काफ़ी आप स्मूथली चला पाएंगे। 8 से 12 हज़ार के ऊपर कोई आईफोन लेना है जिसमें आप एक अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छी डिस्प्ले हो और भी ड्यूल कैमरा सेटअप चाहिए। इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो भाई नो डाउट काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आपको 8 से 12 हज़ार की प्राइस रेंज में लेना है कोई आईफोन तो आप भाई आईफोन 8 प्लस के ऊपर जा सकते हैं। आपको 15 से 20 हज़ार में एक आईफोन को प्राइमरी डिवाइस के लिए यूज़ करना है तो भाई आप आईफोन एक्स या XR को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आईफोन एक्स और 11 की परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे इसका जो कैमरा रिजल्ट है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा, प्रोसेसर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा और बैटरी बैकअप में आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो मैं आईफोन एक्स ले रहा हूँ और 8 प्लस ले रहा हूँ तो इस दोनों में से किसकी बैकअप ज़्यादा मुझे देगी? ये कम्प्लीटली यहाँ पे आईफोन एक्स की बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है कम्पेयर टू आईफोन 8 प्लस। तो यही अगर मैं आईफोन XR से एक्स चूज़ कर सकता हूँ, आईफोन XR की मुझे बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिलेगी कम्पेयर टू आईफोन XR से मुझे 11 की मिलेगी, 11 से 12 की। तो बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस में सेम ही हर एक मॉडल कोई भी आप चूज़ करेंगे तो उतना ही डिफरेंट मिलेगा। तो 20 हज़ार के ऊपर से आपको कोई सेकंड हैंड आईफोन लेना है तो भाई आप आईफोन XS Max भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। और लेकिन आपको आईफोन 5G लेना है तो भाई आईफोन 12 या 12 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं या 13 सीरीज भी ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको 5G कंपेटेबल डिवाइस मिल जाएंगे, इसकी जो डिस्प्ले है बाकी इन सारे मॉडल से आपको एक OLED पैनल मिल जाती है, इसके जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी आपको इंप्रेसिव सा मिल जाएगा। बाकी इसका जो कैमरा रिजल्ट है इन सारे आईफोन से भी आपको तगड़े मिल जाएंगे। तो बाकी तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, आपके जो प्राइमरी यूज़ किया है, आपके जो बजट और आपके जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक आईफोन बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में जाकर इन सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और लेट्स गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो में। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। तो हम जल्दी मिलते हैं बस ऐसी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।